अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आइए हम लोग बिस्मिल्लाह के फजीलत के बारे में बात करते हैं कि बिस्मिल्लाह कितनी बड़ी बड़ी फजीलत है। कुरान की हर एक सूरह की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिस्मिल्लाह की कितनी बड़ी फजीलत होती है। आइए आपके सामने मुख्तसर बिस्मिल्लाह की कुछ फजीलत के बारे में हदीस बयान करता हूँ कि जो शख्स वजू करते समय अल्लाह का नाम न ले उसका वजू नहीं होता है। आइए इसका हदीस में आपके सामने बोलता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स का वजू नहीं जो शख्स वजू करते समय अल्लाह का नाम न लिया हो। तो सोचिए, वजू करते समय अगर हम लोग बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो हम लोग का वजू नहीं होगा। तो सोचिए बिस्मिल्लाह की कितनी बड़ी फजीलत है। बिस्मिल्लाह के फजीलत के बारे में आपके सामने दूसरा हदीस रखने जा रहा हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिस्मिल्लाह कितनी बड़ी फजीलत है। जो शख्स खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम ना ले, वो खाना शैतान अपने लिए हलाल समझे। कुछ इस तरीके से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उस खाने को शैतान अपने लिए हलाल समझ लेता है। तो सोचिए अगर हम लोग बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, अल्लाह का नाम ना लें, तो शैतान अपने लिए खाना हलाल समझ लेता है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिस्मिल्लाह कितनी बड़ी फजीलत है। तो हमें ये करना चाहिए, खाना खाने से पहले हम लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए।